इंदौर में राजनीति अब गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं ने आज सराफा थाना पर गिरफ्तारी दी है। कल राजवाड़ा पर धरना प्रदर्शन के कारण सराफा टीआई अमृता सोलंकी ने कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, जीतू पटवारी, विशाल पटेल और कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल पर बिना अनुमति के राजवाड़ा पर धरना देने पर केस दर्ज किया था, जिसके चलते आज सुबह संजय शुक्ला, विशाल पटेल, विनय बाकलीवाल ने भारी पुलिस बल के बीच सराफा थाना पहुंचकर गिरफ्तारी दी। कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने 2000 लोगों से एक साथ जमा होने पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इंदौर जिला प्रशासन को भाजपा द्वारा चलाया जा रहा है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। जो कि इंदौर शहर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, साथ में संगठन का प्रमुख होने के नाते हम चारों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम मौन धरने पर बैठे हुए थे। हमारी ये मांग थी कि जिस सुदर्शन गुप्ता जो 2500 लोगों को इकट्ठे करके सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए, उस पर मुकदमा 24 घंटे तक तो दर्ज नहीं होता है, वो दर्ज भी होता है तो अज्ञात नाम से। फिर बाद में जब कांग्रेस पार्टी एक्टिव होती तो उसमें 188 के मुकदमा दायर हुए थे। जबकि वो जो क्षेत्र था रंजन कॉलेज कॉलोनी, उस पूरे इलाके में कंटेनमेंट इलाका था, वहाँ पर अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 लोग पॉजिटिव वहाँ से निकल चुके हैं। क्या सुदर्शन गुप्ता जवाबदारी लेता है कि वो जो 2500 लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा कि वो सब सुरक्षित रहेंगे? कल से वो बीमार होते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, उसके जवाबदार कौन? क्या इंदौर की जनता को आपने मानने के लिए छोड़ दिया? प्रशासन ने लॉकडाउन खत्म कर दिया और कह दिया कि आप आपके हिसाब से जियो और आपके हिसाब से मरो। ये सब मांगों को लेकर कल हमारा मौन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें इंदौर शहर के 3-3 प्रतिनिधि, लाखों के प्रतिनिधि करते हैं। हम तो हमारी शांति से हमारा वो कर रहे थे। उसके एक दिन पूर्व हम परमिशन मांगते हैं शासन से, शासन हमें परमिशन नहीं देती है और हम 24 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। ऐसी दोहरी नीति क्यों अपना रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव है? अब तो ऐसे लगने लगा है कि आपातकाल इंदौर शहर में लागू हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो कहते हैं वो अधिकारी लोग उनके आगे पीछे घूम कर काम करने लग गए। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, एक संगठन के प्रमुख को गिरफ्तार करने के आज हमको यहाँ पर मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। इसके हम कोर्ट में जाएंगे, इसके बाद ये जो धारा लगाई है वो हमें गलत लगाई है, झूठी कार्रवाई है, ये अपराध निंदनीय है। जीतू पटवारी जी भोपाल में है, किसी वो टेस्ट कराएंगे, पहले करना टेस्ट उसके बाद सिंह कल हमने कल हमारे मुखिया प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से कल आपको हमारी चर्चा हुई। ये हम तो झूठा, आप खुद गवाह इस चीज़ के, सारे मीडिया गवाह है कि हम कितना मौन धारण थे, कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। वो बेचारे अधिकारी आते हैं हमसे चर्चा करने, क्योंकि उनने मास्क पहन रखा है, आवाज़ आती नहीं है तो नीचे बैठ गए, उनने हमसे चर्चा करी, रात को 11 बजे उनका ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल हमारी मांग है कि सुरक्षा मुद्दों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उस पर और धारा भी बढ़ाई जाए, 279, 269, 270, 271 धारा बढ़ाई जाए कि कोविड में आपने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जा उड़ाते हुए लाखों हजारों लोगों के साथ खिलवाड़ किया। मैं समझता हूँ कि जब हमने नियम के हर नियम पालन किया, 4 व्यक्ति हम बैठे थे, नियम बोलता है कि 4 से अधिक अगर व्यक्ति होते हैं तो आप उल्लंघन करते हैं, जब हम 4 बैठे थे तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पूरी तानाशाही बीजेपी की यहाँ चल रही है, कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन उनका कठपुतली बना हुआ है, उनके इशारों पर कायमियाँ होती जा रही है। बीजेपी का हर एक व्यक्ति अगर 3000-4000 व्यक्ति इकट्ठे कर लेता है तो भी 24 घंटे उसको लग जाते हैं, उसको सभी वीडियो वायरल होने के बावजूद भी कायमी नहीं हो पाती है, तो ये निंदनीय है और कहीं ना कहीं ये सीधा दर्शाता है कि पूरा का पूरा प्रशासन उनके प्रेशर में है। ये हम प्रशासन का सम्मान कर रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं, सुंदर गुप्ता ही खुद बोल रहे हैं कि परमिशन की जरूरत नहीं है हमको, हमने सोशल डिस्टेंसिंग पालन किया है। वो ऐसे विधायक जिसमें इतना घमंड है, सरकार का इतना घमंड है कि मेरा कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, मेरा कोई कार्रवाई नहीं करेगा, वो खुद बयान दे रहे हैं, खुद इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप समझिए कि आम जनता के साथ क्या करेंगे वो और मुख्यमंत्री क्या करेंगे। ऐसा हुआ ये लॉकडाउन खत्म होते ही आम जनता को ये लूट लेंगे और बर्बाद कर देंगे। आपकी क्या रणनीति होगी गुप्ता के खिलाफ? हाँ, हमारी गिरफ्तारी ये है कि जो अब हम कल से जांच चालू करा रहे हैं, सरकार नहीं जांच करेगी, हम खुद जांच करेंगे। जितने लोग मरेंगे, जितने परिवार के लोग मरेंगे, उनको सुदर्शन गुप्ता से बोलेंगे लाखों रुपए इनको जुर्माना दिया जाए, और जो आगे मरने जा रहे हैं जितने भी विधानसभा एक के अंदर मरेंगे उसका जवाब सुदर्शन गुप्ता जो होंगे या मुख्यमंत्री खुद होंगे। आंदोलन जारी रहेगा सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ, नहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ होगा, क्योंकि जो प्रशासन है वो तो बिका हुआ है और गुलाम बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। जो सुदर्शन गुप्ता जी कल, जैसे आपको मालूम है कि एक धरना दिया गया था राजवाड़ा के जो अहिल्या माता जी की प्रतिमा है उसके नीचे, और जैसा आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और धारा जो 144 है उसके तहत में
विस्तृत एक ऑर्डर जारी किए गए हैं और कोई भी धरना जो है वो बिना परमिशन के नहीं हो सकता। इसी कारण से पुलिस द्वारा अपराध कायम किया गया था। आज जो है संजय शुक्ला जी विधायक जो है और मनोज पटेल विधायक विशाल पटेल और कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष है विनय बाकीवाल जी ये आए थे, थाने पर आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और उनके विधिवत जो है जो नोटिस शामिल कराए जाते हैं वो कराए गए। सुदर्शन गुप्ता की गिरफ्तारी इस बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं क्योंकि मेरा क्षेत्र का मामला नहीं है। वो नगर निगम दे रही थी उसके अलावा आज तक 72 दिन में उनने कहाँ पड़ा, उनने कहाँ पड़ा, उन्हें अपने घर में रख लिया। भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद थे उन्हें अपने घर में रख लिया और आम जनता उनका मांगना थी उनको पानी से मारा गया और रात को शाम को 4 बजे राशन बांट रहे हैं और जन्मदिन एक केंद्रीय मंत्री है जन्मदिन मारे उनको खुश करने के लिए आम जनता को मौत के घाट उतार दिया उनने। विशाल जी पटेल जी विशाल जी कल आपके सामने घुटने टेकने वाले अधिकारियों का रातों रात तबादला हो गया, किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ तीन विधायक वहाँ थे उस धरने के अंदर बैठे थे संवैधानिक पद पर। दूसरी चीज कोरोना जो है उस कारण से ये जो कोविड चल रहा है उस कारण से सभी व्यक्तियों के मास्क लगे हुए थे, एक दूसरे की आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी। उनने सिर्फ एक शिष्टाचार के नाते पास में आए बात कर एक दूसरे की बात करने के लिए और समझने के लिए क्योंकि एक दूसरे ने मास्क पहन रखा था, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई उल्लंघन किया है। ये कहीं ना कहीं तानाशाही सीधी दर्शाती है। एक व्यक्ति अगर पास में आके बैठ भी गया है तो ये कोई गलत उसने कृत्य नहीं किया है। कल जो घटनाक्रम के साथ कहना पड़ता है कि जब हम परमिशन मांगने जाते हैं धरना प्रदर्शन के लिए हमको परमिशन नहीं दी जाती है और हम पे मुकदमा कायम कर दिया जाता है। कल भी यही हुआ, कल भी हम हमारे शांति से बैठे हुए थे चारों तीनों विधायक और स्वयं मैं खुद बैठा हुआ था फिर भी हम पे मुकदमा कायम कर दिया जाता है झूठा। कितने दबाव में आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ में आ रहा। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन नहीं चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी चला रही है सरकार। अब आज आप गिरफ्तारी देने जा रहे हैं? बिल्कुल हम गिरफ्तारी देने जा रहे हैं सर। हमने जो हम पे धारा लगे उसका सम्मान करते हुए तो शासन का सम्मान करते हुए हम तो सरा पताना भी जाकर हमारी गिरफ्तारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।